कभी आपने गौर किया है कि अगर हम अर्थ में एक होल कर दें तो क्या होगा? क्या ये पॉसिबल है कि हम पूरे 12,700 किलोमीटर का एक बड़ा होल कर पाएंगे? हम सब में से कईयों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर हम लोग 5,50,000 किलोमीटर दूर मार्स पर पहुंच सकते हैं तो हम लोग सिर्फ 12,750 किलोमीटर बड़ा गड्ढा क्यों नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि इंसान आज तक धरती में कितना बड़ा गड्ढा कर पाया है। अगर हम जमीन से शुरू करें तो 6 फीट की गहराई में इंसान की कब्र खोदी जाती है। थोड़ा और नीचे जाए तो 13 फीट की गहराई में खातून की मम्मी का कब्र मिला था। थोड़ा और नीचे जाए तो 20 फीट की गहराई तक मेटल डिटेक्टर मेटल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे 40 फीट की गहराई में नील क्रोकोडाइल अपना बिल खुद खोद सकता है और ये किसी भी जानवर का सबसे गहरा बिल है। 65 फीट नीचे पेरिस में कैटाबूम मौजूद है। इसी जगह पर कई सौ साल पहले करीब 60 लाख लोगों को दफन किया गया था। यहाँ पर जाना इलीगल है। इससे भी ज्यादा गहराई में 170 फीट गहरा स्विमिंग पूल दुबई में मौजूद है और इसे डीप रिवर के नाम से जानते हैं। इस स्विमिंग पूल में 1.5 करोड़ लीटर पानी है। 328 फीट की गहराई में न्यूक्लियर वेस्ट को दफना दिया जाता है। इसके और गहराई में जाए तो 346 फीट नीचे दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन यूक्रेन के कीव शहर में बना हुआ है। अब 4000 फीट की वो गहराई आ जाती है जहाँ तक पेड़ की जड़ें जा सकते हैं। इस 4000 फीट के पॉइंट के बाद 720 फुट की गहराई में अफ्रीका के कोम्बो रिवर का बॉटम पाया जाता है। ये रिवर दुनिया का सबसे गहरा रिवर है। चौंकाने वाली बात ये है कि इंसान इससे भी ज्यादा नीचे जा चुका है। 940 फीट की गहराई में जापान के 2 आइलैंड को जोड़ने वाला ट्रेन टनल है। ये टनल जापान में साइकेन टनल के नाम से मशहूर है। इससे भी नीचे 958 फीट की गहराई में रेफास नाम का रोड टनल रोगालैंड में बना हुआ है। इंग्लैंड के वुडिंग डैन के एक हॉस्पिटल के बाहर एक ऐसा कुआं है जिसे 1200 फीट तक हाथों से खोदा गया था ताकि मरीजों के लिए पानी निकाल सके। 1980 फीट की गहराई में दुनिया की सबसे बड़ी वर्टिकल शाफ्ट है। इससे भी नीचे 2300 फीट की वो गहराई है जिसमें 33 चिल्ड्रन माइनर 69 डेज के लिए फंसे हुए थे। बेमकम कॉपर माइन में 3180 फीट नीचे एक ऐसी गहराई है जहां से आसमान भी देख सकते हैं। इंसान यही नहीं रुका, 5387 फीट नीचे दुनिया की सबसे गहरी लेक बीकल का बॉटम पाया जाता है। इससे नीचे 6000 फीट की गहराई में ग्रैंड कैनियन का बॉटम है। 6213 फीट की गहराई में 7 मार्च 2020 को क्रेटेन माइन में साफ बॉटम बॉयज ने दुनिया का सबसे डीपेस्ट कॉन्सर्ट शो किया था। 10,300 फीट की गहराई में अफ्रीका में स्थित मॉब हॉटसॉन्ग माइन शाफ्ट का बॉटम है। अगर इतनी गहराई में कोई गिर गया तो वो 25 सेकंड तक हवा में रहेगा। 13,120 फीट की गहराई में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइन है जिसमें जाने के लिए वर्कर्स को पूरे 1 घंटे लग जाते हैं। इतनी गहराई में टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस होता है। 42,000 फीट नीचे कोला सुपर डीप बोर होल है। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है। इस होल को रशिया ने बनवाया था ताकि वो अर्थ के सेंटर तक पहुंचकर रिसर्च कर सके, लेकिन इतनी गहराई में 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने की वजह से इक्विपमेंट खराब हो गए। लेकिन अल साहिन ने 40,318 फीट होल करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शायद आपको ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से 10% भी नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।